अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो ब्यूटी मैं आपको बताऊंगी वो है आपके रिंकल से रिलेटेड। अगर आपके रिंकल जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट करने से, तो ये मास्क आपने ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपके फेस से रिंकल हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। चलिए चलते हैं मास्क के फर्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इस मास्क में यूज़ करना है वो है दही। दही बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये आपके फेस के ऊपर से रिंकल को रिमूव करती है और ये आपके ब्लीमिशेस को भी रिमूव करने में वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। बेसिकली दही जो होती है ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से साथ साथ आपके रिंकल्स को रिमूव करती है ताकि आपको एक फ्लॉलेस स्किन मिल सके। अमूमन क्या होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम रिंकल जो है वो आपके फेस पर ड्राइनेस की वजह से भी आ जाते हैं। जब फेस पे ड्राइनेस होगी और हम लोग जो है फेस की एहतियात नहीं करेंगे तो समटाइम रिंकल भी अपेयर हो जाते हैं और जो कि हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दही है ये आपके फेस को मॉइस्चराइज करेगी और तमाम तरह के रिंकल को और ब्लिमिशेस को दूर करेगी। चलिए चलते हैं मास्क के नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है चावलों का आटा। यानी आपने चावल जो है उसका आटा लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके रिंकल्स को रिमूव करने के लिए। ये वहाँ से डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को थोड़ा टाइटन करेगा ताकि जो है रिंकल आपके फेस के ऊपर से ख़त्म हो सके। चावलों का आटा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपके फेस को के ऊपर से तमाम डेड स्किन सेल को रिमूव कर देगा बाकी इंग्रीडियंट के साथ मिलके, और आपके फेस के ऊपर जो हार्ड रिंकल जो बहुत सख्त हो चुके हैं और बिल्कुल भी नहीं जा रहे उनको रिमूव करेगा। वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, सेल को एक्टिवेट करवाएगा ताकि जो है वहाँ पर से रिंकल जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। फिर चलते हैं नेक्स्ट इंग्रीडियंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रीडियंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है शुगर, यानी चीनी जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होती है। शुगर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये आपकी स्किन के ऊपर से रिंकल को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल थिंग है। ये बेसिकली क्या करती है, ये वहाँ पे स्क्रबिंग स्टार्ट करती है आपके रिंकल्स के एरियाज़ में ताकि वहाँ पे जो डेड स्किन सेल है वो रिमूव हो सके और आपके जो रिंकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हुए और बिल्कुल भी नहीं जा रहे आपकी हर तरह की कोशिश से, तो उनको रिमूव करती है। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके साथ हम यूज़ करेंगे लेमन, क्योंकि लेमन जो है इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे सेल की रिक्वायरमेंट होती है, और रिंकल्स तभी आती है जब हमारे फेस के ऊपर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा लेमन क्या करेगा, आपकी पीएच स्केल को बैलेंस करेगा। अमूमन हमारे फेस की पीएच स्केल जब इम्बैलेंस होती है उसकी वजह से भी रिंकल्स अपेयर हो जाते हैं और वो हार्ड वाले होते हैं कि वो इजी आसानी से नहीं जा रहे होते। तो हमें अपने फेस पर ऐसी चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत होती है जो कि हमारे वहाँ पे जो है पीएच स्केल को बैलेंस कर सके रिंकल एरियाज़ में, और वहाँ पे विटामिन सी प्रोवाइड कर सके ताकि रिंकल जो है परमानेंट तरीके से ख़त्म हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस मास्क को बनाने के लिए आपने 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर लेना है, 2 टेबलस्पून आप दही लेंगे, 1 टेबलस्पून आप शुगर लेंगे और 1 लेमन फुल स्क्वीज़ करेंगे। मीडियम साइज़ का आप लेमन लें और उसको फुल स्क्वीज़ करके इस मास्क के अंदर आपने ऐड करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए जी, ये देखिए मैंने राइस फ्लोर के अंदर जो है दही को, शुगर को और लेमन को ऐड कर लिया। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है आपके हार्ड रिंकल्स को रिमूव करने के लिए। तो आपने अपने हार्ड रिंकल्स को जो बिल्कुल भी नहीं जा रहे किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से, ये मास्क बनाना है और अपने रिंकल्स पे लगाना है और अपने फेस के ऊपर से तमाम रिंकल्स को रिमूव कर लेना है। इसको बनाने के बाद आप इसे 5 मिनट तक पड़ा रहने देंगी, क्योंकि इसके अंदर शुगर ऐड है। तो 5 मिनट्स तक आप जब इसे छोड़ेंगी तो शुगर इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपने अपने फेस के ऊपर 20 मिनट के लिए इसके लगा कर रखना है। 20 मिनट के बाद आप रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगी और अपने मास्क को रिमूव कर लेंगी। देन जाके आप टैप वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लें। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी हर तरह की झुर्रियों को, छाइयों को ख़त्म करता है। और अगर आपके रिंकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी हैं तो अब आपने क्या करना है, आपने इस मास्क को डेली अप्लाई करना है ताकि आपके रिंकल्स जो है वो रिमूव हो सकें। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।